हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडेज मॉरल इज इफ़ यू थिंक बिग देन यू डू बिग। यदि आप बड़ा सोचोगे तो आप बड़ा करोगे। ओके, यदि आप बड़ा सोचते हो तो ही आप बड़ा कर सकते हो। यदि आपके कोई एम है, आप कोई फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हो, अगर आपका कोई एम है, बड़ा एम है, तो आप उसको पूरा करने के लिए उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क करोगे। जितनी ही बड़ी आपकी थिंकिंग होगी, उतनी ही बड़ा आपका वर्क होगा। ओके, दिस मीन्स अगर आपका एम बड़ा है तो आप उस एम को अचीव करने के लिए उतना ही ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना होगा, तो ही आप कुछ बड़ा अचीव कर पाओगे। ओके, लास्ट टर्न पर हमने इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम रीड किया था। ओके, व्हाट इज इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम? लार्ज नंबर को हम टू टाइप से रीड कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड सेकेंड इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। और इसे रीड करने के लिए इफ़ यू हैव ए मेनी लार्ज नंबर, ओके, तो आप क्या करते हो, उसे आपको रीड करने में कन्फ्यूजन होती है, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम उसमें कॉमा पुट करते हैं, पीरियड में डिवाइड करते हैं, ओके, जिसे हम उसे रीड कर सकें। इस रीड करने के टू टाइप्स होते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम से हम उसे रीड कर सकते हैं। इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम द सीरीज इज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, टेन लैक, करोड़। एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियंस एंड टेन मिलियंस। इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हम इसे पीरियड वाइज डिवाइड करते हैं। ओके, वंस, टेंस, हंड्रेड, दिस इज ए वंस पीरियड। ओके, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड, दिस इज ए थाउजेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड एंड सेकेंड पीरियड। थर्ड पीरियड इज लैक पीरियड, लैक्स एंड टेन लैक इज ए लैक्स पीरियड। देन करोड़ इज करोड़ पीरियड। ओके, इसे हम पीरियड वाइज डिवाइड कर देते हैं। एंड जब इसे डिवाइड करते हैं, इसे उसी डिजिट पर हम क्या करते हैं, कॉमा पुट करते हैं, और उसी बेस पर हम इसको रीड करते हैं। ओके, सो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम इज वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड्स एंड मिलियंस पीरियड्स। इन वंस पीरियड इज वंस, टेंस, हंड्रेड, दिस इज ए वंस पीरियड। एंड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, दिस इज ए थाउजेंड पीरियड। एंड मिलियंस एंड टेन मिलियंस, दीज आर मिलियंस पीरियड। ओके, मैंने आपको ये चार्ट कॉपी पर बनाने के लिए दिया था। कुछ बच्चों ने बनाया पर कुछ बच्चों ने नहीं बनाया। आपको कम्प्लीटली वर्क कर लेना चाहिए। ओके, आप अपनी कॉपी पर जिन्होंने नहीं बनाया और जिन्होंने बुक सेट लेट से लिया है, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली बुक सेट लिया है, वो लोग भी ध्यान से सुन लें इस वीडियो को। ओके, इस चार्ट को आपको क्या करना है, इसको मैंने फिर से रिवाइज कर दिया, फिर से आपको रिवाइज करूँगी उसको। आप ये चार्ट आप कॉपी में बना लेंगे और क्वेश्चन को उसी बेस पर करेंगे। ओके, और जैसे ये कलर है वैसे वैसे आपको करना है कलर। नाउ वी रिवाइज अगेन हाउ वी पुट कॉमास। ओके, नाउ लुक एट दिस एक्सरसाइज 1.2। आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। देखिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको ये चार्ट बना हुआ है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस पे और ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस। अब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के बेस पे हम किसी नंबर में कामा पुट कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया, लास्ट टर्न पे भी बताया था कि हमने वंस इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में ये सीरीज होती है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक एंड टेन लैक। ओके, एंड दिस इज डिवाइडेड इन थ्री पीरियड्स। ओके, वंस, थाउजेंड एंड लैक। इन वंस पीरियड वंस, टेंस एंड हंड्रेड। इन थाउजेंड पीरियड थाउजेंड, टेन थाउजेंड। एंड इन लैक पीरियड लैक, टेन लैक। ओके, सो वी पुट कॉमा, जितने पीरियड्स में ये डिवाइड हैं उसी पर हमें कॉमा पुट करना होता है। ओके, इस क्वेश्चन में तो आपको सीधे नंबर डिजिट राइट करनी है, इसमें कॉमा आपको पुट नहीं करना है, लेकिन मैं आपको एक नंबर लेके फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि कैसे हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमा पुट करते हैं और कैसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमा पुट करते हैं। इससे जो इन बच्चों का जिन्होंने बुक सेट लेट से लिया है वो इसको समझ लेंगे अच्छे से।
सपोज दैट एनी नंबर इज 5, 6, 3, 2, 1, हमें इसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में काम आउट करना है. ओके, तो यू नो दैट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम द चार्ट ऑफ ओके वंस टेंस हंड्रेड ओके देन थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक. दीजिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. ओके, अब आप जानते हैं ये थ्री पीरियड में इसको डिवाइड किया गया. दिस पीरियड इज वंस एंड दिस पीरियड इज थाउजेंड एंड दिस पीरियड इज लैक. ओके, नाउ सपोज 5, 6, 3, 2 इज दिस इज ए नंबर. हमें क्या करना है, आपको इस इंडियन प्लेस चार्ट के बेस पे हमें काम आउट करना. ओके, तो 5, 6, 3, 2, 1 इसको पहले हम इसमें राइट करते हैं. वंस वन इज वंस, वन टू इज टेंस, थ्री इज हंड्रेड, सिक्स इज थाउजेंड एंड फाइव इज टेन थाउजेंड. ओके, दिस इज ए फाइव डिजिट नंबर. ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें आप एक और नंबर इसमें राइट कर लीजिए, सेवन. ओके, लैक. अब हमें कॉमा पुट करना है, तो यू नो दैट वंस टेंस एंड हंड्रेड दिस इज ए वंस पीरियड. सो आफ्टर थ्री डिजिट वी पुट कॉमा, देन आफ्टर टू डिजिट वी पुट कॉमा, देन आफ्टर टू डिजिट. ओके, देखिए अब हमें थ्री डिजिट के बाद, यहाँ चूंकि ये वंस पीरियड है, हमें थ्री डिजिट के बाद इसमें कॉमा पुट करना है, देन टू डिजिट, देन टू डिजिट एंड आफ्टर टू डिजिट. ओके, सो आफ्टर थ्री डिजिट 1, 2, 3, 3 देन टू डिजिट, दिस इज थाउजेंड पीरियड. यस, ओके, सो वी पुट कॉमा आफ्टर थ्री डिजिट देन आफ्टर टू डिजिट इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. ओके, सो अब हम इसे कैसे रीड करेंगे. सेवन इज लैक, 7,56,000, 321. ओके, इस तरह से हम इसको रीड करेंगे और हम कॉमा पुट करेंगे. एंड अगेन इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये इंडियन था और ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. ओके, इसमें जो सीरीज होती है आप जानते हो ना, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन. ओके, एंड अब इसमें आपका वंस टेंस हंड्रेड दिस इज ए वंस पीरियड एंड हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड थाउजेंड दिस इज ए सेकेंड पीरियड एंड थाउजेंड पीरियड थाउजेंड. ओके, एंड दिस इज थर्ड पीरियड मिलियंस. सो according to international place value system we put comma in the number. okay, देखिए international place value system और indian place value system में क्या different है, after three digit we put comma, after three digit we put comma, after two digit we put comma, but in international place value system after three digit we put comma. okay, ये three digit है, ये जो three digit है इसके आफ्टर थ्री डिजिट के बाद, फिर थ्री डिजिट के बाद हम कॉमा पुट करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, फिर वन डिजिट. ओके, बट इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में थ्री डिजिट देन टू डिजिट. ओके,
देन आफ्टर टू डिजिट वी पुट कॉमा। अब सपोज एनी नंबर, कोई नंबर आप सपोज करिए, 8, 9, 2, 3, 5, 6। ओके, अब हम यहाँ पर पुट करते हैं नंबर। 6 इज वंस, 5 इज टेंस, 3 इज 100, 2000, 9, 10,000, 800,000। ओके, अब हमें कॉमा पुट करना है आफ्टर थ्री डिजिट, दिस इज वंस पीरियड। ओके, आफ्टर थ्री डिजिट, देन आफ्टर, अगेन आफ्टर थ्री डिजिट, देन नो एनी नंबर, सो हम छोड़ देंगे। सपोज कर यहाँ पर कोई नंबर हो, तब आफ्टर थ्री डिजिट, यहाँ पर मान लीजिए कोई नंबर है, तो आफ्टर थ्री डिजिट वी पुट कॉमा। अगर नहीं है तो हम छोड़ देंगे बस, अगर है तो आफ्टर थ्री डिजिट पर हम कॉमा पुट करेंगे, इसके पहले तो कोई नंबर है नहीं। सो इस तरह से हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमा पुट करते हैं, रीड करते हैं। इसमें आप क्या रीड करोगे, 9 मिलियन, 9 के बाद कॉमा पुट है, 9 मिलियन, देन 892,000, 892,000, 356, ओके, 356, इस तरह से हम इसको रीड कर। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3, 1.3 एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, फिल इन द बॉक्सेज विथ ग्रेटर देन और लेस देन टू कंपेयर द नंबर। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है और साइन पुट करना है। हम कैसे कंपेयर करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, दिस इज ए 6 डिजिट नंबर, एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज ए 7 डिजिट नंबर, दिस इज 6 डिजिट नंबर एंड इट इज 7 डिजिट नंबर। सो यू नो, आप जानते हो कि कौन सा इसमें बड़ा हो जाएगा, ये 6 डिजिट है, ये 7 डिजिट नंबर है, तो इसमें से कौन सा, जो ज़्यादा डिजिट का है वो ज़्यादा बड़ा होगा नंबर। ओके, तो आप साइन किधर पुट करोगे, इधर, इट इज लेस देन दिस नंबर। सो नेक्स्ट इज बी, इसमें देखिए हाउ मेनी डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, सो इट इज वेरी इजी, इट इज 5 डिजिट नंबर एंड दिस इज 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट नंबर। ओके, सो विच नंबर इज मोर, दिस, दिस नंबर इज मोर, सो इट इज ग्रेटर देन इट दिस नंबर। नाउ नेक्स्ट इज सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बोथ इज 6 डिजिट नंबर, दोनों क्या हैं, 6 डिजिट नंबर के हैं। अब आप इसमें कैसे कंपेयर करोगे, तो आप जानते हो या पिछले टर्न पे बताया गया होगा आपको कि हम क्या करते हैं, पहले कंपेयर करने के लिए लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। ओके, लेफ्ट साइड से हम कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे नंबर है आपका 3, 3, 7, 2, 2, 8 एंड 3, 7, 3, 8, 2, 8, 8, 2, 8। ओके, अब हमें इसमें कंपेयर करना है, तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना, तो लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट साइड इज 3 and 3 इज सेम, सो इसे हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। देन अब हम क्या करेंगे, अब इसके पहले का नंबर चेक करेंगे। ओके, सो 3, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि दोनों साइड में सेम डिजिट के नंबर हैं, अगर सेम डिजिट के नंबर नहीं है तो जिस तरफ ज़्यादा डिजिट है वो नंबर आपका बड़ा होगा, अगर दोनों सेम डिजिट हैं तो फिर हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट से हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। सो 3 and 3, दोनों नंबरों में 3 डिजिट इज सेम लास्ट नंबर। ओके, अब हम क्या करेंगे, उसके पहले का नंबर चेक करेंगे, 3 and here is 7। ओके, 3 and here is 7, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन सा डिजिट, इट इज मोर। ओके, ये क्या है, ये नंबर ज़्यादा है, दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर। ओके, सो आप साइन किधर पुट करोगे, इधर,